नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ सुबह से ही विवाद खड़ा है कि ये, और मैं उसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर एलडीए की तरफ से जो इसको पूरी जो बस्ती है, जो यहाँ पे पक्के मकान है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश है। मैं एक बार कहूंगा, जरा उन मकानों के ऊपर फोकस किया जाए जो यहाँ पे अच्छे खासे मकान बने हुए हैं। एक बार दिखा दीजिए पूरा कि देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पक्के मकान हैं, और इन पक्कों मकानों को कम से कम तोड़ने का सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। अब इनको निस्तो नाबूद किया जाएगा शासन प्रशासन की तरफ से। लेकिन मैं उन लोगों के बीच में पहुंचा हूं इस पूरे घटने के ऊपर। मैं क्या, चाचा आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? सबसे पहले मैं 90 से यहाँ रह रहा हूँ। 90 से? जी 90 से यहाँ रह रहा हूं। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला? नहीं तो मिला है, मतलब नोटिस। उसमें क्या कहा गया था? वो यहाँ पढ़े रहे, अनपढ़ आदमी है, मतलब नोटिस आई है मुझे मालूम, अगर मैं उनको दे दिया इमरान को। इमरान क्यों? तो आप जो मकान है कितने सालों में बनाए आप? अरे तो बहुत सालों बनाया, बनाया काफी दिन लगा बनाने में। आपको मालूम गरीब आदमी कैसे इंतजाम करता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जी भाई, गरीब आदमी कहाँ बनाएगा? हमको ना बुलाया, क्या क्यों आपको क्या हुआ? आप नहीं बोल सकते क्या कहना भैया? आप मुस्कुरा कह रहे हैं। आंटी आंटी आने, आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? 70 साल। हम आज 7 थी, अब हम लोग आए 32 साल हमको हो गए, 7 को 7। हाँ 32 हो गए, 32 हमारे साथ जब उम्र में कम थी, अब 90 साल की हो गई, अब खत्म हुए। तो हम लोग को कम देखिए, जी इस पे फोकस कीजिए, कुछ इसमें कीजिए। ये इतने पुराने कागजात है, कब से रह रहे हैं? 10 ईंटे जोड़ने के लिए 10 दिन भूखे रहना पड़ता था, तब ईंटे खरीद के लगा पाए। 70 से हूँ मैं। हाउटेक्स बिजली का बिल हमारा जो है हमेशा जाता है। नहीं कब से दे रहे? जो सारी सरकार जो फैसला ले रही, क्या कहना चाहिए उसको? करीब 45 साल नहीं हो गए, करीब उसके 32 साल हो गए। आप 32 साल से दे रहे हैं? हाँ। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? कितने हमारे घर के अंदर मेंबर हैं? 3। हाँ। 2 हम मियां बीवी, 1 हमारा लड़का जिसकी हमको शादी करना इसी साल। यहाँ देखिए, हमारी माँ बहनें जो हैं, जो यहाँ पे अपने आंसुओं को छुपा रही हैं, और उनके उनके चेहरों को देख साफ हो, आंसू उनको झलक रहा है। क्या सालों से रहती मेरी मम्मी पापा कोई नहीं है, मगर मैं यहाँ पे बहुत सेफ हूँ। हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलकर रहते हैं, अगर हमको कहीं दूर डाल दिया जाएगा तो मैं कैसे सेफ रहूंगी बताइए? तो पैसे मैं यहाँ कमाती हूँ, जैसे भी करती हूँ अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। मैं और जगह नहीं। लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग साथ, सब लोग साथ में रहते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, कोई आज तक कभी कुछ सुना नहीं बाहर वालों ने। सुना कि कहीं सरकार घर आवंटित करवा रही है, कुछ नहीं। उसके विषय में ये बोल रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ के लिए उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दे रहे हैं, आप फॉर्म भरिए यहाँ। अब ये बताइए कि गरीब आदमी यहाँ पर कोई चौका बर्तन करता है, कोई लेडीज, कोई बेचारी नाली दो, कोई पुताई काम करता है, कोई क्या काम कर रहा है, यहाँ जुगाड़ करके अपने शाम को पेट भरने का व्यवस्था कर लेता है। अब यहाँ से वहाँ ले जाके दे दे 5,000 रुपए वो मांग रहे हैं कि फार्म भराई 5,000 पड़ेगा, 6,000 रुपए आपको वहाँ पानी और बत्ती का देना पड़ेगा, 4,200 रुपए आपको हर महीने देना है। जब वो अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है तो वो जंगल में कमाई क्या करेगा? क्या अपना पेट भरेगा और क्या उनको देगा? कल आप खड़े हो जाओगे, कहोगे पैसा नहीं दिया, आप यहाँ से निकलो, आएगा सवाल। कुछ मोटा रकम भी है उसके साथ में, 4-5 लाख रुपया मतलब। हाँ, 4,80,000 रुपए का उनका 10 साल, एक मिनट, 4,80,000 रुपए का उनको 10 साल का टारगेट है, 10 साल आप पैसा भरेंगे, 10 साल में 4,80,000 रुपया जमा करने हैं, 5 लाख रुपया हो जाए। जी हाँ, अब जब बताइए गरीब वहाँ कमा नहीं पाएगा तो वो जमा क्या करेगा?